हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज है आपका पीएचपी का लेक्चर 4। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं असाइनमेंट ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के उसे वॉच कीजिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में आप जानते होंगे, जो होता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब होता है, ये सब कंपैरिजन में आता है। तो आज हम यहाँ इसको देखेंगे कि किस तरह इसको पीएचपी में यूज करना है और आउटपुट हमें किस तरह से मिलता है। क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपको कंपेयर करना है किसी टू नंबर्स को, तो सिंपल है, पहले लिखिए इको। क्लियर। देन आपको एक फंक्शन लिखना होगा, फंक्शन का नाम है वैडम। देखिए यहाँ पर दे रहा है मुझे, वैडम हो गया। अब इसमें सेमी कॉलन हमेशा मस्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोई किसी नंबर को ले लीजिए आप, जिसे 4 = 5 मैंने ले लिया। चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको कंपेयर कराना है। तो इसको कंपेयर कराना है तो हम इसका फिर वैल्यू देखते हैं क्या कहता है मुझे। यहाँ पर मैं इसको सेव किया और यहाँ पर देखता हूँ मुझे आउटपुट क्या देता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या रहा है, बूल फॉल्स दे रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को करते हैं यहाँ पर, तो जो उसका वैडम है, तो हमें ये वैडम फंक्शन यूज करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो किस में मिलता है, हमें बूलियन में मिलता है। ठीक है, और वैल्यू टू फॉर्म मिलेगा, या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा। तो ये तो आपको दिखा दिया मैं कि आउटपुट कैसे आ रहा है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखने के लिए, जो अच्छा दिखे, देखने में अच्छा लगे, उस तरह इसको थोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैंने br लगा दिया ताकि ये न्यू लाइन में चला जाए। क्लियर। br लगाने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ इको। देखिए पहले से आउटपुट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, बस मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। द वैल्यू ऑफ फोर इक्वल टू फाइव इज। क्लियर। यहां मैं इसको सेव कर दिया। अब देखते हैं इसको ये कैसा मुझे आंसर देता है। यह सेमी कॉलम फिर से आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ दे दिया द वैल्यू 4 = 5 इज बूल फॉल्स, क्योंकि 4 = 5 नहीं होता इसलिए फॉल्स दे रहा है, और क्या ही है, बूलियन में देता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हमेशा वैल्यू किस में देता है, वो फॉल्स में देता है। तो और भी इसके इसको आउटपुट देख लेते हैं कि और तरीके से अगर लेते हैं तो क्या कहता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर कर लीजिए कॉपी, सिंपल सा है, देन पेस्ट, अगेन पेस्ट। क्लियर। अब यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैंने 4 = 5 कर लिया है, अब 4 = 5 करके देखते हैं इसमें क्या देता है, आंसर ट्रू देता है या फॉल्स देता है। और यहाँ पर कर लेते हैं 4 > 5, और एक और देख लीजिए 4 < 5 का। एक बात मैं बता दूं, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ उतना काफी नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस व्यूज आते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं आ रहा है। क्लियर। चलिए तो इसको मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या आंसर देता है। तो देखिए मेरा यहाँ पर 4 > 5, मतलब ये ट्रू दे रहा है, बुलियन में दिया। तो ये हमें क्या बताता है कि वैल्यू भी बताता है और किस टाइप का है ये भी बताता है। ठीक है, देखिए 4 > 5 ये फॉल्स है, लेकिन 4 > 5 ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया। तो ये कंपेरिजन ऑपरेटर का है। अब एक बात बता दू, ये पीएचपी में आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्या यूज करना है। आप जब बड़े प्रोग्राम्स में जाइएगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ कैसे यूज करना है। क्लियर। यहाँ पर आपको लग रहा है कि इसके यूज कैसे करेंगे, तो हम आगे जब काम करेंगे किसी प्रोग्राम पर या प्रोजेक्ट पर, तो उसमें पता चलेगा आपको ये कैसे यूज कर रहे हैं। इसको आपको याद रखना है, डायरेक्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करा के बता रहा हूँ और प्रोजेक्ट के व्यू से बता रहा हूँ। क्लियर। यहाँ पर थ्योरी नहीं है ना, अगर जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ आपको पीएचपी कोर पीएचपी आता है और आप प्रोजेक्ट में भी एंट्री मार सकते हैं। क्लियर, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा तो ये सब यूज होने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्लियर, यहाँ
तो कंपैरिजन खत्म हुआ। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे आते हैं। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट आप जानते होंगे, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट वही हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको कैसे यूज करते हैं अभी देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले कोई वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल लेने के लिए क्या किया जाता है, डॉलर साइन। चलिए मैंने एक न्यू वेरिएबल लेता हूँ सेट। अब जेड का वैल्यू क्या ले लूँ मैं, जेड का वैल्यू कुछ ले लीजिए, जैसे 10 ले लीजिए, ठीक है। अब 10 हो गया, अब इसको क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट करना है तो उसके वैल्यू को कैसे लिखते हैं, उसको वैल्यू को इंक्रीमेंट करके प्रिंट भी कराना है। तो पहले इको मैं लिखा, देन डॉलर, उसके बाद में वेरिएबल पर आया, मेरा वेरिएबल सेट था, देन यहाँ सेट किया मैं, और इसके वैल्यू को हमें इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या करेंगे, प्लस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब इसके वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, जो इंक्रीमेंट वैल्यू है। तो इंक्रीमेंट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए डॉलर, देन वेरिएबल, और ये आपका हो गया इंक्रीमेंट वैल्यू। अब इसको देखते हैं सेव करके क्या आंसर देता है। उसके पहले br ले लीजिए ताकि आपको आंसर जो मिलेगा न्यू लाइन में मिलेगा। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर br। अब यहाँ एक और br ले लूँ क्योंकि दो इको करा रहा हूँ, तो दो वैल्यू आउटपुट आने वाला है। कैसे आ रहा है वो सारा क्लियर करूंगा, आउटपुट आएगा उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा। चलिए मैं यहाँ रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर क्या हुआ, 10 और 11 आया। तो ये क्या होता है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू, देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले वेरिएबल z प्रिंट होगा, उसके बाद क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, पहले आपका वैल्यू जो 10 था वो 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, क्लियर। अगर यहाँ पर ये डिक्रीमेंट रहता तो क्या होता, तो डिक्रीमेंट का भी देख लेते हैं। इसको कॉमेंट आउट कर दीजिए आप, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी, और इसको हम करते हैं डिक्रीमेंट करके। अब इसमें क्या होता है वैल्यू, ये भी आपको समझाता हूँ। इसमें क्या होगा, पहले आपका वैल्यू प्रिंट होगा देन डिक्रीज होगा। तो इसका आपका 10-9 आने वाला है, देख लीजिए कैसे हो रहा है, देखिए 10 और 9 आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, पहले वैल्यू प्रिंट होता है उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। अब प्री होगा तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं करके कैसे होता है। तो इसको भी क्या कीजिए आप, कॉमेंट में कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो प्री के लिए करना होता है तो सिंपल है, यहाँ पर आपको प्लस लगाना होगा एंड देन सेव कीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वो आपको समझा दे रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 11 और 11 हुआ। तो क्या होता है, ये प्री हुआ, तो प्री में पहले ही बढ़ जाएगा वैल्यू, उसके बाद प्रिंट होगा। तो पहले तो मेरा 10 था, तो वैल्यू क्या हुआ, पहले ही बढ़ गया। तो पहले बढ़ेगा वैल्यू तो क्या होगा, 11 हो जाएगा, और उसके बाद मुझे 11 प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ, पहले मेरा वैल्यू 10 था, तो ये पहले ही इंक्रीमेंट हो गया, और उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुआ वो वैल्यू मुझे मिल गया। इसके पहले हम पोस्ट में क्या देख रहे थे, तो पहले वैल्यू प्रिंट होता है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, या वैल्यू पहले प्रिंट होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, क्लियर। इंक्रीमेंट होगा उसके बाद प्रिंट होगा। अब यहाँ डिक्रीमेंट करके देख लेते हैं कि डिक्रीमेंट में क्या होता है। तो यहाँ मैं कॉपी किया, फिर से इसको कमेंट आउट, यहाँ पेस्ट, और यहाँ पर देते हैं हम डिक्रीमेंट का साइन। तो डिक्रीमेंट का साइन दे दिया मैंने, अब इसको सेव करके देखिए क्या होता है। यहाँ पर 9-9 हुआ, तो क्या हुआ, पहले वैल्यू डिक्रीज हुआ उसके बाद प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको बूलियन के फॉर्म में आंसर आता है, आउटपुट मिलता है। बैट फंक्शन यूज करते हैं जो आपको बूलियन में आंसर देता है कि वैल्यू क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, और क्या है बूलियन है, क्लियर। और उसके बाद हम कंपैरिजन में भी देख लिए कि कंपैरिजन में कैसे होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी देख लिए कि कैसे वैल्यू इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, उसको कैसे प्रिंट कराना है। जब आप एंट्री मारिएगा प्रोजेक्ट में तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। यहाँ बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कोर है, याद रखिए इसको आगे जाकर, और इसका प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको प्रोजेक्ट में आसानी हो, क्लियर। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। एक और आपका बचा हुआ है, ये आपको मैं अगले क्लास में कराऊंगा, जिसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। गुड बाय।